जी नहीं तो हमीद अंकल तो यहाँ नहीं आए। पता नहीं, हमें तो यही कह के गए हैं कि हीरो के घर जा रहे हैं बात करने। हाँ बात ही कुछ ऐसी है, हो सकता है कहीं बाहर बैठ गए हो, बस अल्लाह खैर करे कहीं लड़ना पड़े। हीरो जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। इफ समथिंग टेरेबल हैपेंस, आई विल नॉट फॉरगिव माई सेल्फ। हीर जी प्लीज खुद भी टेंशन मत लें और मुझे भी टेंशन मत दें, ऐसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा। वैसे भी आज ना मैंने अपने अब्बू हुजूर की आंखों में जो अपने लिए दर्द देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को कह देना है कि यस दोनों की जोड़ी कबूल है। मेरे अब्बू की भी पता नहीं बता, हाँ वो दूध जलेबी के दोनों फैन है ना अब्बू और हमीद चाचा, वहां फज्जे की दुकान पे बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे और साथ बात कर रहे होंगे। इंशाल्लाह। चलो आप फौरी तौर पे पता करवाओ कि वो दोनों मिलने गए कहां पर हैं। अच्छा फोन रखे ना, फोन रखेंगे तो पता करूंगा ना कि कहाँ गए हैं। ये भी है। ओके बाय। बोझल बोझल है ना टोर इनकी। खैर करे खबर की लेके आया उधरों। वो अब्बा जी खबर ये है कि आज आपका ये जो पुत्र है ना जी हमीद जाट, आज तो पुराने पाटे अखबार की निकी सी खबर बन के रह गए। और मां जी अखबार पता कौन सा, वो जिसपे लोग पकौड़े बेचते हैं। अपूर यार क्या बात करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। मीते ने जो कहा है वो असल में उस क्या बताऊं यार। अब्बू क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आप, बोले ना क्या बात है, बताएं तो उसे क्या कहा उन्होंने। ओए पुत्तड़ औलाद की खातिर ही सुनता है ना बंदा। क्या कह रहे हैं पुत्र? बोला क्या है अब्बा जी, उसने तो साफ साफ कह दिया अगर दीवे आनी है तो कुर्सी छाट दे। मैं उसको कहा कि एक कुर्सी क्या, मैं अपने पुत्र पे ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान कर सकता हूँ, कबाड़िया को दे सकता हूँ। और बेवकूफा इस वक्त मांगना ही था तो कुछ और मांग लेता। और ये तो तड़ी लगाने वाली बात हुई ना। ओए पाजी उसने तो ऐसी तड़ी लगाई है जैसे हम कोई बर्फ के गोले हैं और वो जलता हुआ तंदूर। अब्बा जी इसका मतलब है कि हम कंचे और वो कोहे नूर। हमीद जी मैंने आपको मना भी किया था कि ना जाओ, आज तड़े सितारे गर्दे सेचने लियो शेर सिलत में ऐसी पेशन गोई थी, साफ लिखा था कि शेर जंगल में जाके चूहों की बिल में दंगा मुश्ती करेगा। क्या ओ बस पुत्र जो भी समझ ले, पढ़ वाला हूं मैं तो सड़ झुका के ही बात कर रहा था। अब्बू और क्या कहा हूं? मीते ने ऐसी बात की कि मेरे तो तन बदन में ही आग लग गई। और मुझे कहता तेरा पुत्र करता कराता तो है कुछ नहीं, वेले टुकड़ तोड़ता है रोटियां तोड़ता है तो उसको कर्जवाई रख लेते हैं, हम भी रोटी टुकड़ डाल दिया करेंगे।